हर 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 महादेव। वेद सबुज से सोहे तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे ओ हर हर हर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आपने जो पहले क्लिप देखी, ये शिवरात्रि वाले दिन की है। तो शिवरात्रि दो बार पड़ता है, जैसे कि आपको पता होगा, एक बार सावन के महीने में पड़ता है एंड एक बार होली के टाइम पे पड़ता है। तो जो होली में पड़ती है शिवरात्रि, वो वाली शिवरात्रि मानते हैं हम लोग। ये वाली शिवरात्रि में हम लोग व्रत वगैरह नहीं करते, लाइक फास्टिंग नहीं करते, बट जो ये लाइव चल रहा था संस्कार टीवी में या फिर आस्था चैनल पे चल रहा था टीवी पे, तो उसमें शिव जी का अभिषेक हो रहा था। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि शिव भगवान का अभिषेक हो रहा है तो घर पे भी हम लोग भी कर लेंगे, तो कुछ बुराई नहीं है उसमें भगवान की पूजा करने में। तो बस इसलिए हम उसमें ऐसा कुछ कुछ प्रोसीजर दिखाया हुआ था, लाइक पूजा की जो विधि रहती है, मिट्टी से शिवलिंग बनाना था एंड पूजा की सामग्री भी बताया गया था। तो वो सब मेरी मदर इन लॉ ने इकट्ठा कर लिया था एंड शिवलिंग भी बना लिया था। एंड उसके बाद अच्छे से बैठ के जैसे जैसे उसमें बताया जा रहा था वैसे वैसे पूजा की जा रही थी विधिवत शिव जी की, एंड अभिषेक किया गया। तो वो आरती कर रहे थे तो वो क्लिप मैंने डाली थी। एंड उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं मैं डिनर प्रिपेयर करने आ गई थी। ये शाम के अराउंड 7 बजे का क्लिप है। तो फिर उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर करने आ गई थी पूजा हो जाने के बाद में। तो मैं नॉर्मल जो ढोकला रहता है सूजी का, वही बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है, अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में बना रही थी, कई बार मैं बना चुकी हूँ पहले, रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। एंड ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली मुझे भी, एंड मेरे फादर इन लॉ सबको ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं हम लोग के यहाँ। तो वीक में एक बार तो मैं बना ही लेती हूँ, थोड़ा चेंज भी हो जाता है एंड रोटी सब्जी वगैरह से थोड़ा चेंज करने के लिए ढोकला बना लेती हूँ एंड सब शौक से खा लेते हैं एंड क्विक भी रहता है प्रोसेस। तो मैंने इसका बैटर जो है आफ्टरनून में जब लंच प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम मैंने बैटर बना के रख दिया था। तो नॉर्मल दही में जैसे सूजी बोलते हैं वैसे ही बैटर बना लिया था। एंड उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने वन बाउल जो रहता है चावल का आटा जो घर में था वो भी डाल दिया था एंड 1 कटोरी बेसन भी डाल दिया था। एंड बाकी जितनी क्वांटिटी रहती है 7 कटोरी के अराउंड वो मैंने सूजी ले लिया था एंड सारे इंग्रेडिएंट्स को दही में मिक्स करके बैटर बना लिया था। नमक हल्दी थोड़ा सा ऑयल एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सब डाल के एंड इनो डाल के नॉर्मल बना रही हूँ मैं, कढ़ाई में बनाती हूँ मैं जैसे आप देख सकते हैं। तो ये एक बार का बन गया है, उसे ठंडा करने के लिए फ़ैन के नीचे मैं रख दी थी एंड उसके बाद दूसरा चढ़ा दिया था बनने के लिए। एंड ये इमली की चटनी बना रही हूँ मीठी वाली। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं मुझे किचन में जब देखते हैं कि मैं अकेले कर रही हूँ एंड थोड़ा सा लेट भी अगर मुझे होता रहता है तो फिर वो आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। एंड ये इमली का सॉस घर में बना के रखा था मेरी मदर इन लॉ ने, गुड़ वगैरह डाल के थोड़ा सा थिक बनाया था। तो उसमें मैंने पानी मिक्स करके थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी का उसे इमली की चटनी बनाने की कोशिश करी है, खट्टी मीठी। तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, जीरा डाल के, करी पत्ता एंड अदरक किसके डाल के एंड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया एंड थोड़ा सा शक्कर और डाल रही हूँ, तो ये ब्राउन शुगर डाल रही हूँ जिससे वो गुड़ भी डाल सकते हैं, कई बार मैं गुड़ भी डाल देती हूँ। तो बस एक थोड़ी सी मीठी टाइप की, खट्टी मीठी टाइप की इमली की चटनी बहुत टेस्टी वाली बनी थी, वो रेडी थी। एंड ये ढोकले भी देखो दोनों प्लेट बन गए हैं, तो इसे अभी मैं फ्राई कर रही थी। तो मेरे इसमें अगेन मेरे हस्बैंड आ गए थे हेल्प करने, मैं ऑयल थोड़ा कम डाली थी, थोड़ा कम ऑयल डालना चाहती हूँ मैं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने आके थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल दिया था उसमें, बोले कि अब तुम ऑयल कम डालती हो इसलिए अच्छा नहीं बनता है। तो उन्होंने आके 1 टेबल स्पून ऑयल और डाल दिया था। दैन उसके बाद लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च एंड करी पत्ता डाल के, देखो ये करी पत्ता डाल रही हूँ मैं, तो नॉर्मल छौंक लगाया था एंड बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो ढोकला पर्सनली। एंड सूजी का ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बेसन का ढोकला या फिर चावल के आटे का ढोकला से ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा पसंद मुझे सूजी का ढोकला है। तो मैं बनाते रहती हूँ फ्रिक्वेंटली
एंड ये मैं इसमें भी ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। वैसे तो बेसन के ढोकला में शुगर डाला जाता है ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा मीठा रहता है वो, बट इसमें भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये पूरे दही से बैटर बनाया हुआ था, तो फिर बहुत ज़्यादा खट्टा टेस्ट आता है, इसलिए शुगर ऐड कर दिया। तो नॉर्मल शुगर की जगह फिर इसमें मैंने ब्राउन शुगर डाल दिया था, जिससे वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। एंड हल्का सा पानी डाल दिया एंड बस नॉर्मल चौकोन पीसेस में काट के ढोकला को डाल दिया था उसमें फ्राई करने के लिए। बहुत टेस्टी बना था ये। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी दिख रही है बट इतने शौक से हम लोग खाते हैं कि ये भी कम पड़ जाता है। तो बस डिनर में यही बनाया था मैंने, सबने यही खाया। एंड मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं मायके जाने वाली हूँ, तो बस उसी की फिर तैयारी थी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तो मैं देखिए पूरी क्लीनिंग में लगी हुई थी, प्रॉपर क्लीनिंग, क्योंकि एक दिन दो दिन के बाद जाना था, तो फिर जब मैं नहीं रहती हूँ तो फिर रूम की प्रॉपर डस्टिंग नहीं हो पाती, तो बहुत ज़्यादा गंदा जम जाता है, डस्ट जम जाता है एंड चीज़ें भी फैल जाती है। तो मैं जाने से पहले पूरा अच्छे से जमा के जाती हूँ, ऑर्गेनाइज करके जाती हूँ, कबर्ड बेडशीट वगैरह लाइक प्रॉपर क्लीनिंग करके जाती हूँ, फर्नीचर वगैरह सब कुछ एंड बच्चों के सामान जो रहते हैं टॉयस वगैरह वो सब भी मैं प्रॉपर पैक करके जाती हूँ, ताकि उसमें धूल नहीं जमे। एंड उसके बाद जब आती हूँ तब फर्नीचर वगैरह पे लाइक जो टेबल के टॉप हैं वो सब पे तो बहुत धूल जमा हुआ रहता है, तो फिर आके प्रॉपर क्लीनिंग फिर से करनी पड़ती है मुझे। तो आप ये देखिए, ये बच्चों की कवर्ड को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी टाइम भी हो गए थे मुझे बच्चों की अलमारी को जमाए हुए, तो जो भी थोड़े से आउटडेटेड कपड़े थे वो मैंने निकाल दिया। एंड सीज़न के हिसाब से भी मैं अपडेट करते रहती हूँ बच्चों के कबर्ड को, क्योंकि अभी थोड़े से बारिश हो रही थी तो मैंने उनके फुल स्लीव के कपड़े निकाल लिए थे, देन अगेन बारिश बंद हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, तो मैं विंडो के सामने बैठी थी, तो बस इसलिए फिर मैंने फुल स्लीव के कपड़े रख दिए, लाइक अंदर पैक करके नहीं रखा, उसे पीछे साइड कर दिया, तो जिस दिन मुझे चाहिए रहेगा तब मैं पहनाऊंगी, नहीं तो फिर सब शॉर्ट स्लीव वाले कपड़े को सामने रख लिया, फ्रॉक चीनी की फ्रॉक्स एंड शॉर्ट स्लीव वाले कपड़े एंड शॉर्ट्स वगैरह, एंड चीकू के भी वैसे ही शॉर्ट्स एंड हाफ स्लीव वाले कपड़े, उन सबको मैंने आगे रख लिया ताकि वो ईजीली यूज़ हो सके। एंड बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ता है बच्चों के कबर्ड को। एंड आप सोच रहे होंगे जो ये दुपट्टा सा मैंने ढका हुआ है, जो फर्स्ट वाली रो लग रही है शेल्फ जो बने हुए हैं उसमें मैंने दुपट्टे से कुछ ढका हुआ है, तो ये जितना आप देख रहे हैं इसमें कम से कम मेरे 50 साड़ीज़ रखे होंगे, तो उसे मैंने जो छोटे छोटे पाउच रहते हैं साड़ी के कवर जो रहता है उसमें डाल के यहाँ पे रख दिया है एंड उसे कवर कर दिया है, क्योंकि अभी साड़ी पहनना भी नहीं है एंड फेस्टिवल्स आ रहे हैं अभी, बट ये थोड़े से मेरी शादी वाले टाइम की साड़ियाँ हैं तो थोड़े से आउट ऑफ फैशन भी हो गए हैं एंड बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी है, तो वेडिंग वगैरह पर फिर भी इसे पहन सकते हैं, अभी तो पहनने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने इसे कवर करके अच्छे से रख दिया है, नहीं तो फिर धूल जम जाता है उसमें भी। एंड इतने सेफली मैं उसे रखी हूँ उसके बाद भी उसमें धूल जम जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है, लाइक बड़े बड़े सिटीज़ पर बहुत ज़्यादा डस्टिंग की प्रॉब्लम रहती है, डस्ट उड़ता है, तो बस वही है, यहाँ पर भी हम लोग के घर पर बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है, इसलिए मुझे रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने इसे अपने पुराने कॉटन का दुपट्टा है उसे एक बार कवर कर दिया है, जिससे मैं आऊँ तो बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ न रहे, नहीं तो फिर मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस यही सब काम किया मैंने एंड थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह भी करी थी, तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हूँ, दिखाऊँगी आपको। एंड उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे मॉल के लिए, एक्चुअली उस दिन संडे था एंड मेरी मदर इन लॉ को जाना था, मेरी चाची सास के यहाँ, लाइक मेरी मदर इन लॉ के जो है देवरानी उनके यहाँ जाना था, उनको राखी वगैरह देना है ऐसे कुछ काम से, तो बस फिर हम लोग भी निकल गए कि चलो मॉल चले जाएंगे। एंड चीनी एंड चीकू के थोड़े बहुत टी शर्ट्स लेने थे मुझे, तो वो भी ले आएंगे मॉल से, इसलिए हम लोग भी निकल गए थे। एक्चुअली चाची लोग का जो घर है उनके घर के पास ही है मॉल, पास पड़ता है, इसलिए हम लोग निकल गए थे। एंड इवनिंग पे निकले हैं, जब आप देख सकते हैं 6 और 7 के अराउंड निकले थे। एंड बाहर जाके देखा हम लोग तो एकदम नॉर्मल डे की तरह रौनक थी, देखिए आप कैसे लाइटिंग है यहाँ पर बिल्डिंग में, तो ये तो कुछ कॉरपोरेट बिल्डिंग टाइप का था, बट वैसे भी रोड पे काफ़ी रश था एंड संडे का दिन था, तो बहुत नॉर्मल डे के जैसा लग रहा था। एंड देखिए जाते जाते एकदम शाम होने में आ गई है, हाफ एन आवर लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कार में बैठे हम लोग, तो पीछे देखो चीनी चिकू नहीं दिखाई दे रहे, मम्मी भी नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे चाची जो है, चाची जी चाची सास है मेरे, तो उनके यहाँ छोड़े हैं उन लोग को।
वही ऐसे ही गए हैं मम्मी मिलने चाची लोग की राखी देने के लिए, नेहा दी पूजा दी लोग के, मेरी ननद लोग की राखी देने के लिए। एंड क्या बोलते हैं, बस चीनी लोग को भी छोड़ दिया, थोड़ी देर साथ में चले जाएंगे इसलिए अंधेरा हो रहा है बहुत। यस, हाफ एन आवर में आ जाएंगे हम लोग वापस, तो बस छोड़ दिए हैं चीनी लोग को, वहाँ पे साथ में खेल लेंगे थोड़ी बहुत, उनके बच्चे हैं तो, मेरी जो देवरानी है उनके छोटे बच्चे हैं तो उन लोग के साथ खेल लेंगे इसलिए। एंड हम लोग थोड़ा सा मॉल साइड आ गए थे देखने, ऐसे ही कुछ मिल बच्चों के लिए अगर कुछ अच्छे कपड़े मिल रहे होंगे तो ले लेंगे। एंड बस घर, चाची लोग का जो घर है उनके जस्ट एकदम वॉकिंग डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, इतना पास है मॉल। एक दूसरे मॉल जा रहे हैं हम लोग, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वो वाले मॉल नहीं जा रहे, सिटी सेंटर जा रहे हैं अभी। बस पहुंच गए, चलो मैं दिखाती हूँ फिर। सो गाइज, जैसे आप देख सकते हैं ये मॉल के अंदर आ गए हैं हम लोग। एंड सिटी सेंटर मॉल गए थे, मेन सिटी पर पड़ता है ये, सेंटर पे एकदम। एंड काफ़ी दिनों बाद गए थे हम लोग, लाइक लॉकडाउन के बाद गए थे, 2 साल हो गए होंगे, तो बहुत न्यू लग रहा था हम लोग को, काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं इसमें थोड़े बहुत। एंड हम लोग क्या क्या लिए मैं दिखाऊंगी आपको घर जाके, थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े लिए। एंड जैसे आपने देखा है चाट कॉर्नर था, उसमें हम लोगों ने भील खाया था, बहुत दिन हो गए थे खाए इसलिए खा लिया था हम लोगों ने। एंड बस वापस जा रहे हैं। सो गाइस, जैसे आप ये देख सकते हैं मैं अपना हेयर कलर कर रही हूँ, तो मैंने हेयर कलर का वीडियो पहले भी शेयर कर रखा है कि मैं कैसे अपने हेयर को कलर करती हूँ। तो ये लॉरियल का लगाती हूँ मैं, डार्केस्ट ब्राउन कलर है, तो बहुत अच्छा है ये, एंड क्विक हो जाता है, हार्डली 15 मिनट्स रखने पड़ते हैं इसे, एंड बहुत क्विक प्रोसेस है, तो मुझे सही लगता है, तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो बस मॉर्निंग में ही मैं इसे कर रही हूँ, अराउंड 8 AM के आसपास, एंड नहाने से पहले, तो बस उसके बाद लगा लिया था मैंने, एंड नहा के फिर चली गई थी, तो मेरा ये काम भी हो गया था। एंड बस उसके बाद नाश्ता के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मॉल से क्या लेकर आया था, एंड जो भी पैकिंग वगैरह की अपडेट रहेगी, क्योंकि तो बस मैं जाने वाली हूँ, तो बताऊँगी भाई मैंने कैसे पैकिंग किया था यही सब। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख सकते हैं यहाँ कितने बुक्स कॉपीज पड़े हैं बच्चों के, तो मैं पैकिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट, मतलब एक दो दिन पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं मायके जाने वाली हूँ, तो फिर मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर रही थी, तो मैं पैकिंग कैसे करती वो भी शेयर करूँगी आप लोग से। अभी तो पूरा रूम मेरा मैस पड़ा हुआ है, एकदम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो बच्चों की स्कूल बैग जो है मैं उसके वॉश करने के लिए डाली थी, तो बाहर सूख रहा है वो, जो कपड़े वाले दीदी हैं उन्होंने वॉश कर दिया था। तो फिर इसके बाद मैं अभी छांटूंगी कि लाइक थोड़े बहुत अलग मैंने करके रखे हैं कि क्या क्या लेके जाने का है, बुक्स कॉपीज़, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो बुक्स कॉपीज़ जो भी लेके जाने का है सब मैं अलग अलग छांट के रखूँगी। लाइक जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सिर्फ वही चीज़ लेके जाऊँगी, एक्स्ट्रा नहीं लेके जाऊँगी, बहुत लगेज हो जाएगा। यानी ये देखिए आप, ये 2 बैग मैंने पैक किया है, एक ट्रॉली बैग एंड एक बैग जो रहता है एयर बैग।
एंड कपड़े थोड़े बहुत मैच पड़े हुए हैं मेरे। एंड कल जैसे मैंने आपको दिखाया था मॉल चले गए थे हम लोग, तो बच्चों के तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आजियो से कई कपड़े मैंने मंगाए थे, फुल स्लीव के मंगाए थे बेसिकली, तो चीनी के 4-5 मंगाए थे, चीकू के 4-5 मंगाए थे, एंड लोअर जो रहता है पैंट फुल वाले जींस वगैरह भी, ये सब भी मैंने 3-4 मंगा लिए थे। बट अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैंने वो बारिश को देखते हुए एंड आगे विंटर आने वाला है उसको देखते हुए मंगा लिया था, बट अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मुझे अभी गर्मी वाले कपड़े लेने पड़ेंगे हम लोग के। तो मैंने पहले भी आपको जैसे दिखाया था मॉल से 3 शॉर्ट्स लेकर आए थे हम लोग चीकू के, एंड चीनी के शॉर्ट्स लेके नहीं आए थे, फ्रॉक लेके आए थे दो एंड क्या बोलते हैं, तो फिर अभी कल हम लोग फिर जब मॉल गए थे तो मैंने वहाँ के थोड़ी बहुत क्लिप्स डाली थी आपके लिए। तो चीकू के हम लोग लेकर आए नॉर्मल 2 टी शर्ट्स लेकर आए बिग बाज़ार से, कितने की थी, आई थिंक एक टी शर्ट 300 की थी, मैं एग्जैक्टली बताऊँगी आपको। एंड चीनी के भी 2 टी शर्ट्स लेकर आए, नाक पे कैसे इरिटेशन हो रहा है मेरे को। हाँ तो मैं बोल रही थी कि चीनी के लिए भी 2 टी शर्ट्स लेकर आए हम लोग नॉर्मल कैजुअल जो अभी लाइक डेली पहन सके वो, क्योंकि हम लोगों ने फुल स्लीव के कपड़े लिए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर शॉर्ट स्लीव वाले सारे कपड़े उसके पुराने हो गए थे, तो फिर कहीं जाओ तो पुराने कपड़े लेके जाओ तो अच्छा नहीं लगता, थोड़े बहुत कलर भी फेड हो जाते हैं उसके, तो फिर इसलिए न्यू टी शर्ट्स लेकर आए हम लोग। तो सिर्फ 2 ही लिया है अभी, क्योंकि 2 से काम चल जाएगा एंड फिर नेक्स्ट जब समर आएगा तब फिर ले लेंगे, क्योंकि अभी इन लोग की ग्रोइंग एज है तो फिर बहुत छोटे हो जाते हैं कपड़े। ये मेरे कपड़े वहाँ टंगे हुए हैं देखिए, कल मैं इसको पहन के गई थी तो फोल्ड करके रखूँगी, अभी पूरा मैस पड़ा हुआ है, मैं दिखाती हूँ कैसा पड़ा हुआ है मेरा रूम। इधर तो बुक्स कॉपीज पड़ी हुई है, यहाँ ये ट्रॉली बैग पड़ा है, यहाँ देखिए ये सारे कपड़े जो हम लोग लेकर आए, जो लेके जाने का है, एंड जो डेली के कपड़े भी हैं सब पड़े हुए हैं, तो मैं अभी पूरी प्रॉपर क्लीनिंग करके पैकिंग करके रख दूँगी। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने हेयर कलर किया, तो मैंने उसकी भी क्लिप छोटी सी डाली थी, तो आज बहुत ज़्यादा काम है मेरे को। मैं हेयर कलरिंग वाला काम जो था कल करने वाली थी संडे को, बट संडे को अमावस्या थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मना कर दिया था कि अमावस्या में हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो फिर इसलिए मैं नहीं कर पाई थी कल, तो आज मैंने किया। तो मेरे बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर के तो इशू नहीं है, जस्ट ये हेयर लाइन में थोड़े बहुत विजिबल होते हैं, तो उसी को मैंने टचअप किया बस। तो मेरे को मॉर्निंग पे कर लिया था जल्दी 8 बजे, तो बस मेरे को हार्डली 1/2 आवर लगा एंड ये काम भी हो गया मेरा। एंड अभी बज रहे हैं 12:00 हो गया है अभी, एंड मेरे सिर्फ ये क्लीनिंग वाले काम बचे हैं, बाकी सब काम हो गए। बच्चों को भी जस्ट मैंने अभी नहला के नीचे भेजा है, दोनों का हेयर वॉश आज किया, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे हम लोग, लाइक अर्ली मॉर्निंग नहीं जाएंगे, आफ्टरनून तक जाएंगे, बट कल मैंने हेयर वॉश करना ये सब एक्स्ट्रा काम नहीं रखा है, सिर्फ कल जल्दी जल्दी रेडी होके नाश्ता वगैरह करके, अगर फिर लंच करके जाएंगे तो लंच बना के, बस ये सब काम रहेगा, हेयर वॉश एंड बाकी पैकिंग वैकिंग ये सब कुछ भी काम नहीं रखूँगी मैं कल के लिए बचा के, सारे काम आज कर लूँगी। एंड आप देख सकते हैं मेरा ये थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आज मैं सोच रही हूँ पार्लर भी अभी चले जाऊँ, कुछ भी नहीं कराऊँगी और सिर्फ थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स तो करा लूँ, ऐसा मैंने सोचा है, लेट्स सी अगर मेरे पास टाइम रहा तो, क्योंकि मेरी सिस्टर भी आने वाली है, पुणे में शादी हुई है उसकी, तो पुणे से वो आ रही है, मुंबई होते हुए आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है वहाँ से, तो क्या बोलते हैं वही वो अराउंड 3 PM तक पहुँचेगी वो, फिर आके डायरेक्ट लंच करेगी वो, तो मुझे जाके जल्दी से लंच प्रिपेयर भी करना है, मुझे 1 बजे से तो लंच में ही लगना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे ये सारे काम अभी फिनिश करने हैं। एंड मैं अभी 1.5 नॉर्मल कपड़े पहनी हुई हूँ घर के, क्योंकि जब आएगी वो तो मेरे सारे काम फिनिश हो जाएंगे, तो मैं देखती हूँ चेंज कर लूँगी, यही वाला कपड़ा मैं पहन लूँगी, निकला हुआ है ये, एंड बस फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि पैकिंग भी कैसे किया है मैंने, एंड मैं कपड़े दिखा देती हूँ जो लेकर आई हूँ मैं बिग बाज़ार से। यस, सो 1 सेकेंड, उल्टा है ये, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। सो
गाइस पहले चीकू का दिखाती हूँ मैं। देखिए ये नॉर्मल सा टी शर्ट है, इसमें ऐसे कार्टून वगैरह बने हुए हैं, कुछ ऐसे फंकी सा प्रिंट है एंड पीछे प्लेन है। तो इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, पीच कलर। चीकू के पास है भी नहीं ऐसा वाला कलर। एंड बस क्विक हम लोगों ने जाके जस्ट एंटर किया एंड फटफट से लाइक बहुत जल्दी में हम लोग का टाइम हो रहा था, क्योंकि मम्मी को हम लोगों ने चाची के यहाँ छोड़ा हुआ था, तो उनको पिक भी करना था एंड फिर आके डिनर भी करना था। तो डिनर तो मैं बना के गई थी, तो उसकी तो मुझे लाइक टेंशन नहीं थी, बना के गई थी मैं कढ़ी एंड ड्रम स्टिक की कढ़ी एंड रोटी मैंने बना के गया था। दोपहर को जब लंच प्रिपेयर किया ना तभी बना के रख दिया था, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं थी। बट आते तो डिनर पे लेट हो जाता, इसलिए फिर हम लोग 7 बजे के अराउंड गए थे। तो आते आते फिर भी हम लोग को 9:30 जैसा हो रहा था, लाइक अराउंड 9:30 पे हम लोग घर पहुँचे थे। तो बस वही हम लोगों ने जो लाइक उसकी साइज़ देखी प्रॉपर एंड तो जो ऐसा बस देखा कि ये सब कलर चीकू के पास अवेलेबल नहीं है, तो बस हम लोगों ने ले लिया फिर उसे। एंड चीकू को तो छोड़ के गए थे चाची लोग के यहाँ तो मम्मी के साथ, इसलिए हम लोगों ने उन लोग को ट्राई करा के नहीं देखा। बट घर आके मैंने ट्राई कराया बच्चों को, एकदम परफेक्ट फिट आ रहा है, तो ये बढ़िया है। सो ये है फर्स्ट टी शर्ट, नॉर्मल सा टी शर्ट है एंड मैंने ये 5 to 6 लिया है साइज़। एंड बिग बाज़ार में पिंक एंड ब्लू ब्रांड का रहता है, अच्छा रहता है, मैं हमेशा लेती हूँ उससे। तो ये है एंड इसमें ऑफ़र भी चल रहे थे, कुछ बाय वन गेट वन फ्री था, तो ये एक टी शर्ट हम लोगों ने लिया। एंड एक और ये नॉर्मल प्लेन टी शर्ट है येल्लो कलर का, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, येल्लो मेरा फेवरेट कलर है, तो ये मैंने पिक किया। एंड प्लेन ले लिया इस बार, क्योंकि हमेशा कार्टून प्रिंट वाला पहनता है चीकू, तो प्लेन ले लिया था हम लोगों ने इस बार। एंड ये भी 5 to 6 ईयर्स का है एंड ये है ब्रांड माई क्रेयॉन टी, बट बाय वन गेट वन फ्री था, तो दोनों मिला के हम लोग को 400 पड़ा, अच्छा था, 200 ईच पड़ा। एंड नेक्स्ट चीनी का लिया है ये नॉर्मल टी शर्ट, देखिए बीच में यहाँ पे ऐसा फेस बना हुआ है एंड कलर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, ये ब्राइट पिंक है एकदम, बहुत प्यारा लग रहा था कलर। एंड अगेन दिस इज़ फ्रॉम डेनिम जींस, DNC रहता है बिग बाज़ार में बहुत ज़्यादा, उसके ब्रांड्स के कपड़े रहते हैं, तो वही लिया है हम लोगों ने। एंड ये है 15 to 16 ईयर्स लिया है मैंने, चीनी 10 ईयर्स की है, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल उसको रहेगा बोल के इसलिए हम लोगों ने एक साइज़ अप लिया है उसके, लाइक एक साइज़ तो अपनी है ये, डेली में पहनेगी तो उसको लूज थोड़ा कम्फर्टेबल अच्छा लगेगा, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी साइज़ लिया है। एंड मैंने इसे ट्राई करा के दिखाया, देखा चीनी के ऊपर तो बहुत एकदम परफेक्ट आ रहा था उसे, तो ये है, बहुत प्यारा था ये भी। एंड इसकी प्राइस है 500 रुपीज़ एंड इसमें भी था बाय वन गेट वन था, आई थिंक ऐसे बहुत ज़्यादा ऑफर्स चल रहे थे उसमें, तो हम लोगों ने इसलिए ले लिया। एंड नेक्स्ट एक और टी शर्ट है, देखिए जैसे शेडेड है ये येलो एंड पिंक में, सुंदर लग रहा था मुझे ये भी। एंड दोनों मेरे फेवरेट कलर हैं, तो बहुत ब्राइट सा लग रहा था मुझे, तो मैंने ये ले लिया। एंड एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने भी चूज़ किया, हम लोगों ने दोनों को मिलके ही हम लोग को पसंद आ रहा था, तो इसलिए ले लिया। एंड ये भी 15 to 16 ईयर्स है एंड ये है 550 का, तो बस इतने में हम लाइक वही 600 में हम लोग को 2 टी शर्ट्स मिल गए, 300 ईच पड़ा। एंड एक मैंने लोअर लिया है अपने लिए केपी, नाइट वेयर के हिसाब से या फिर दिन भर भी पहन लो ऐसा घर पे, ये है देखिए नॉर्मल ब्लैक कलर का एंड इसमें बटरफ्लाई बना हुआ है, मुझे प्यारा लग रहा था ये प्रिंट एंड ब्लैक भी मेरा फेवरेट कलर है, तो बस ये ले लिया। एंड मेरे पास यह मस्टर्ड येलो कलर का टॉप है, तो उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा ये, इसलिए ले लिया था मैंने। एंड ये 300 का है एंड इसकी साइज़ है L, मुझे M साइज़ आता है बट मैंने L ले लिया, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा इसलिए। एंड मैंने मेरे लिए कुर्ती भी ली है, मेरे लिए लेने का प्लान नहीं था बट ये सामने रखी हुई कुर्ती थी एक, तो मुझे अच्छी लगी तो फिर ले लिया मैंने। ये है सृष्टि ब्रांड का है, बिग बाज़ार में सृष्टि के भी बहुत अच्छे कपड़े रहते हैं एंड लेगिंग वगैरह भी आते हैं उसके, अच्छे रहते हैं बहुत, मैंने पहले भी लिया हुआ है। तो ये है देखिए नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये एंड ऐसे यहाँ पे बटन की डिटेलिंग है एंड यहाँ पे ऐसे प्लीट्स बने हुए हैं, तो आप इसको एज अ वन पीस भी पहन सकते हैं, जो शॉर्ट ड्रेस रहती है ना वैसा भी पहन सकते हैं या फिर लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं, तो अच्छा लगा। एंड ये कलर नहीं था मेरे पास, लाइट पीच कलर टाइप का है, तो मेरे पास ये कलर नहीं था इसलिए मैंने ले लिया। तो बस यही सब चीज़ें हैं, अभी ये पूरा जो पड़ा हुआ है मैं सबको लिख करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। सो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर